हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस है। मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, सभी जोडिक साइन के लिए ये रीडिंग है। आप कोई भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक भी बिल्कुल नहीं है, सभी टाइमलेस रीडिंग्स हैं। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, लेट स्टार्ट योर रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट सी। सो फोकस कीजिएगा गाइज अपने पर्सन की एनर्जीज पे। देखते हैं हम क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। ओके, यहाँ पर ऐसा नजर आता है गाइस कि आपके व्यक्तित्व के बारे में आपके पर्सन यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई। आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ज्यादा भोला भाला इंसान समझते हैं, ये पहली एनर्जी निकल कर आई है। आपको सॉफ्ट टॉयज बहुत ज्यादा पसंद हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है गाइस कि आपका जो पर्सन है वो आपकी चाहत को पूरा करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर उनकी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। आपको गिफ्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है तो वो गिफ्ट्स देना चाहते हैं। आपको कुछ सुनना, आप अगर उनसे कुछ सुनना चाहते हो तो आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे माफी मांगे या फिर आप कुछ भी इनसे डिमांड कर रहे हो, तो मुझे ये लगता है कि ये पर्सन आपकी डिमांड को पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ये है कि उन्होंने ना, आप बहुत सॉफ्ट हो, आप बहुत ज्यादा भोले भाले हो, एंड शायद आपको उन्होंने बहुत ज्यादा पेन दिया है या फिर आप दोनों के बीच में कनेक्शन में जो चीजें बिगड़ी हैं इस पर्सन के लिए, ऐसा लगता है कि ये अपने आप को खुद जिम्मेदार मानते हैं उस चीज को लेकर। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज को फुलफिल करने के लिए, आपकी सारी ख्वाहिशों को फुलफिल करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहां पर नजर आ रहा है। ये पर्सन आपको खुश देखना चाहते हैं। इनकी इनकी एनर्जी में ये नजर आता है कि पार्टनर आपको खुश देखना चाहते हैं। जैसे आप मुस्कुराते हो, जैसे आप बच्चों की तरह मुस्कुराते हो, या फिर आपका इनर चाइल्ड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो सकता है, या फिर आप ज्यादातर समय बच्चों की ऊर्जा में रहते हो। भोले भाले बच्चे होते हैं एक्चुअली। सो ये चीज इस पर्सन को बहुत पसंद है और ये आपको वैसे ही देखना चाहते हैं। बहुत ज्यादा मैच्योरिटी के साथ ये पार्टनर आपको नहीं देखना चाहते, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप वैसे ही अच्छे लगते हैं, आप वैसे ही हंसते खेलते हुए अच्छे लगते हैं, ऐसा इस पर्सन की एनर्जी में नजर आ रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। तो जिनके भी पर्सन ने उनको कनेक्शन में इस तरीके से ट्रीट किया है, आप गाइज, आपका जो पार्टनर है वो दोबारा से आपको खुश करना चाहता है। स्पेशली भी एक एनर्जी आप लोगों के लिए निकल कर आई है जो मैरिज मैरिज कर चुके हैं। आई थिंक मैरिड लोगों के लिए ये स्पेशल मैसेज निकल कर आया है। आपको पेट्स पसंद हो सकते हैं बहुत ज्यादा। सो अगर आपको ये बहुत ज्यादा पसंद है तो आपके पर्सन आपके लिए वो भी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ये सेजिटेरियस की एनर्जी है गाइस, सेजिटेरियस वालों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आज के दिन में गाइस आपका पर्सन आपको कुछ ऐसा बोल सकता है जो आपके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग हो सकता है। शॉकिंग मतलब इस पर्सन की अच्छाई को लेकर मैं बात कर रही हूँ। कुछ आपसे कुछ गलत नहीं बोल रहे या फिर कुछ आपसे झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है।
आपको खुश करने की बात ही पर्सन बोल सकते हैं आपसे कि वो आपको खुश रखना चाहते हैं, आपको वो सब देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी काफी ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर एच लेटर है, आपके जो भी पार्टनर हैं जिनकी भी एनर्जी है उनका मानना ये है कि पार्टनर को हमेशा खुश रखना चाहिए। इस पर्सन की सोच ऐसी नजर आती है कि आप जिसके साथ भी रहते हो लाइफ में, जैसे भी रहते हो, हमेशा अपने जो भी आपका पार्टनर होता है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर, जो भी आप जिसके भी साथ आप पार्टनरशिप करते हो उसको हमेशा खुश रखना चाहिए, ऐसी इस पर्सन की सोच नजर आती है। मतलब ये पर्सन ऐसे हैं कि खुश रखने में बिलीव करते हैं, ठीक है। ये ईगोस्टिक व्यक्ति नहीं हो सकता, ये जिसकी भी एनर्जी है ऐसा नजर आता है मुझे। मतलब ये वो पर्सन है जो समय आने पर माफी भी मांग लेंगे, समय आने पर झुक भी जाएंगे और अपनी गलती भी मान लेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जी में नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में शिफ्ट नजर आता है कि वो आपको खुश रखने के बारे में सोचे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स ने इनको इस तरीके की गाइडेंस दी है, या फिर इनकी सोच जो है वो आपको लेकर परिवर्तित हुई है कुछ लोगों के पार्टनर की, तो उनको मन में ये अपने आप से ही आया है कि उन्हें आपको खुश रखना है, उन्होंने आपको वो चीजें देनी है जो उन्होंने आपको कभी नहीं दी, जो आप डिजर्व करते हैं। ये स्पेशल मुझे मैरिड लोगों के लिए मैसेज लग रहा है, ठीक है, ये मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है। ओके, यहाँ पर ये पर्सन एक मैसेज दे रहा है कि आप इनकी बातों को शायद मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये शायद अपनी जो इनकी व्यक्तिगत फीलिंग्स हैं, यानी कि जो इनकी भावना है, जो फीलिंग्स हैं, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी नजर आती है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाते, उनके मन में बहुत कुछ होता है और कहीं ना कहीं लोगों ने गलत जज कर लेते हैं या फिर उन्हें समझ नहीं पाते हैं, तो उस तरह की एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है। ये ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग इन्हें टारगेट कर देते हैं, लोग इन्हें गलत समझ लेते हैं, ठीक है, इनके बिहेवियर की वजह से, या फिर ये उस तरीके से रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन इनकी भावनाओं को जल्दी कोई समझ नहीं पाता है, ठीक है, इनके मन में बहुत कुछ होता है बट ये व्यक्त कैसे करना है या फिर शब्द कौन से चुनने हैं व्यक्त करने के लिए, ये इस पर्सन को नहीं आता है, ये ऐसा इनका मानना है। ये पर्सन अपने आप को गलत नहीं मानते, इनको ऐसा लगता है कि इनको चीजों को हैंडल करना नहीं आता, या फिर हम ये कह सकते हैं इस पर्सन को सही शब्दों का चुनाव करना नहीं आता है कि कौन से शब्द चुनने चाहिए, कब कौन सी जगह पर, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है इस पर्सन की एनर्जी में। ये पर्सन आप अपने आप को आपके बिना बहुत अकेला फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप हो तो मतलब सारा जहां में इस पर्सन को बड़ी खुशी खुशी सी नजर आती है, वरना ये पर्सन अपने आप को अकेला फील करते हैं। इन्होंने आपसे दूर रहकर देख लिया है आई थिंक, या फिर आप दोनों के सेपरेशन में इस पर्सन को एक चीज समझ में आई है कि ये आपकी लाइफ का हिस्सा है और ये आपकी लाइफ का हिस्सा है और इनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आप हो, ठीक है, और इनको ये भी समझ में आया है कि आपकी जगह इस पर्सन की लाइफ में क्या है, ठीक है, इस वजह से इनके मन में खुद ही आता है अब कि इन्हें आपको खुश रखना है और इन्हें आपको वो सब देना है जो अभी तक इन्होंने आपको नहीं दिया। ये पर्सन आपके सामने झुक भी सकते हैं, आपसे माफी भी मांग सकते हैं, आपको मना भी सकते हैं। जो इंसान ईगो में नहीं होता है वो कनेक्शन बचाने के लिए सब कुछ कर सकता है, सिर्फ ईगोस्टिक व्यक्ति कनेक्शन को जाने देता है। ओके, सो आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ईगो नजर नहीं आ रहा है, ये एनर्जी निकल कर आ रही है।
ये पर्सन ऐसा बिल्कुल नहीं दे सकते कि आपको कोई और देखे या आपको कोई और चाहे, ऐसा इस पर्सन की एनर्जी में नजर आता है। आज के दिन में ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये ऐसा कभी नहीं देख सकते कि आपको कोई और चाहे या आप किसी और के हो जाएं। ठीक है, ये हमेशा ना आपको लेकर इनको ऐसा रहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इनके हैं। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ इनके हैं, ऐसा इस पर्सन का मानना है। ये आपको किसी और के साथ ना तो देखना चाहते हैं, ना ही इनकी ऐसी इच्छा है कि आपको किसी और के साथ देखना पड़े, ना ही ये आपकी फ्रेंडशिप वगैरह या फिर आपके आपकी लाइफ में इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी और को ये पर्सन बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसी भी एनर्जी इस पार्टनर की नजर आ रही है, बहुत ही पोजेसिव टाइप का पार्टनर आपका नजर आता है। ये कैंडल मेरे हाथ से फिसल रही थी, तो ऐसा मैसेज भी आ रहा है कहीं ना कहीं कि ये पर्सन ऐसा मैसेज देने की कोशिश करे कि जब से इस पर्सन ने आपको देखा है ये कभी संभल ही नहीं पाया, ये हमेशा फिसलते चले गए। ठीक है, इनको इन्होंने अगर कोशिश भी की है तो भी ये अपने मतलब जो होता है ना, कोई इंसान अपना ही नहीं रहा। ठीक है, उसके एक्शन उसके खुद के ही नहीं रहे, वो हमेशा ही फिसलता रहता है यहाँ वहाँ। ठीक है, कुछ ना कुछ गलतियां करता रहता है या कुछ ना कुछ करता रहता है, बट वो संभल नहीं पाता, उसको समझ में नहीं आते कि एक्चुअली में मैच्योरिटी के साथ चीजें हैंडल की कैसे जाए। तो ये पर्सन ये भी मैसेज दे रहा है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं तब से ये सिर्फ और सिर्फ फिसल ही रहे हैं। ठीक है, आज तक ये पर्सन संभल नहीं पाए आपको देखने के बाद। ठीक है, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को बहुत अच्छा संभाल सकते हैं। ओके, इस पर्सन की एनर्जी में एक चीज दिखाई दे रही, बोलते हैं कि आपकी आपने इनकी लाइफ में बहुत बड़ा एरिया कवर करके रखा है। ठीक है, बहुत ज्यादा जगह आपने इस पर्सन की लाइफ में लेकर रखी है। ठीक है, अगर ये आपको जानबूझकर अपनी लाइफ में रजिस्ट करने की कोशिश की है पास में, तो ये बोल रहे तब भी सारी जगह जैसे तुमने ही लेकर रखी थी, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी या सोच रहा था, तुम्हारे बारे में मुझे बहुत ख्याल आते थे, मैं कहीं भी काम कर रहा था या कर रही थी तब भी मुझे तुम्हारा ख्याल आ रहा था। तो जैसे ये पर्सन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वैसे भी तो बात हो या ना हो, आप हमेशा इस पर्सन की लाइफ में जगह लिए रहते हैं, इस पर्सन के दिमाग में जगह लिए रहते हैं, इस पर्सन के दिल में जगह लिए रहते हैं, तो आप कहीं जाते तो वैसे भी नहीं हो। ठीक है, आप एनर्जी तो वैसे भी इस पर्सन की जगह मतलब एनर्जी इस पर्सन की लाइफ में वैसे ही घेरे रहते हो, ऐसा इस पर्सन का कहना है आपको लेकर। ये इतनी खूबसूरत रीडिंग है, जिसकी जिसके पर्सन को ऐसी बुद्धि आ गई ना, ठीक है भाई, वो तो लकी हो जाएगा एकदम। यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है जिस तरीके से, कि कोई इंसान सामने से आपको खुश रखना चाहता है, जिस व्यक्ति के मन में ये आ गया कि मुझे पार्टनर को खुश रखना है, उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी चलती है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है आज के दिन में। चलिए देखते हैं कि कौन वो लकी लोग होने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सी, कार्ड से देखते हैं। प्लीज गाइड कीजिए हरिहरा, ऐसा कौन है जो मेरे व्यूअर्स को खुश रखना चाहता है, और ये किसकी एनर्जी निकल कर आई है, प्लीज गाइड मी। टू ऑफ वन, नाइन ऑफ कॉइन, टेन ऑफ शॉर्ट्स, टू ऑफ शॉर्ट, पेज ऑफ शॉर्ट, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स एंड एम्प्रेस, एट ऑफ शॉर्ट। ओके, यहाँ पर गाइज ये वही आपके पार्टनर नजर आते हैं, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ट्स और एम्प्रेस की एनर्जी आई है, ये दोनों साथ में आई हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी नजर आ रही है कि आपके जो पर्सन हैं, इन्होंने जिस जिस और किसी और के साथ अगर कनेक्शन मेंटेन किया है, आपके अलावा भी कनेक्शन किसी और के साथ बनाने की कोशिश की है, ठीक है, तो ये वो इंसान हो सकते हैं, बिकॉज मुझे एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं तो एनर्जी लग रही है। या फिर इस पर्सन ने अपनी मदर के कहने पर आपको बिट्रे किया हो सकता है, क्योंकि ये भी एनर्जी है। बट यहाँ पर ये एनर्जी नजर आती है कि ये जो पर्सन है, ये इन्होंने जो कुछ भी किया है वो अपनी खुशी की वजह से नहीं किया, या फिर अपनी ईगो की वजह से नहीं किया, इन्होंने शायद जो कुछ भी आपके साथ पास्ट में किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नजर आता है टेन ऑफ शॉर्ट से, ये हो सकता है इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया हो, आपको यू नो चीट किया हो, धोखा दिया हो, ये इसलिए नजर आता है क्योंकि मुझे इस
के लिए कारण इसकी मदर नजर आती है, या फिर कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, मदर स्ट्रांग नजर आ रहा है और ये इसीलिए ऐसा कर पाए क्योंकि इस पर्सन के अंदर डुअलिटी थी, टू ऑफ वंड्स एंड टू ऑफ शॉर्ट्स। ये पर्सन क्लियर नहीं थे कि आखिर ये करे तो करे क्या। तो जब इंसान के दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती है कि उसको आप चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ उसके दिमाग में पक रहा या चल रहा होता है, वहां पर कहीं ना कहीं जो लोग उसके सामने आते हैं, जो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं, वो उनकी मैनिपुलेशन में, उनकी बातों में डेफिनेटली आ जाता है, बिकॉज उसको खुद को दिमाग नहीं होता है कि उसको करना क्या है। आखिर यहाँ पर टू टू की एनर्जी है, यहाँ भी इस इंसान को नहीं पता करना क्या है। यहाँ पर भी आप देखिए, दो आपको दिमाग दो फेसेस नजर आ रहे होंगे, तो आपके जो पर्सन है इसी तरीके की एनर्जी में थे। ओके, बट जब ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़े और चीजें जब इस पर्सन के साथ दोहराई जा रही हैं या दोहराई गई हैं, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए नजर आता है, इस पर्सन के साथ चीजें दोहराई गई हैं, दिस पर्सन का ईगो भी शैटर हुआ है और इस पर्सन को ये रियलाइज भी हुआ है कि इनको आपको खुशी देनी है। अगर इनको अपनी लाइफ में खुश रहना है तो इनको उन लोगों को खुशी देनी होगी जिनको इन्होंने हर्ट किया है। ठीक है, कई बार जब लाइफ आपको बहुत चोट दे रही होती है तो आप ऊपर देखकर पूछते हो कि आखिर मेरी गलती क्या है, वहां से जवाब आता है कि तुमने जिसको हर्ट किया है उससे जाकर माफी मांगो, उसको पहले खुशियां दो, ठीक है, तब अपनी खुशियों की कामना करना। कहते कि अगर दूसरों को रुलाकर अपनी खुशियों की कामना कर रहे हो तो मत करो, ठीक है, क्योंकि परमात्मा सब देखता है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि हो सकता है कि इस पर्सन ने अपनी खुशियां खो दी हो, सो यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में नजर आ रहा है। फिलहाल इस पर्सन का ईगो बहुत ज्यादा शैटर हुआ है, ठीक है, और इनको ये क्लैरिटी आई है कि इनको क्या चाहिए, इनको आप चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है 8 ऑफ शॉर्ट्स की, कि पर्सन बहुत ही ज्यादा स्टक सिचुएशन में रहे हैं, अभी भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन और एम्प्रेस की भी एनर्जी है। ऐसा भी नजर आता है कि आप में से काफी सारे लोग का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ऐसा बदलाव आप लोगों ने अपने अंदर कर लिया है कि पर्सन चाहकर भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि जब आप अपने ऊपर इनर वर्क करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, तो आपकी लाइफ में वो पार्टनर डेफिनेटली आता है, परमात्मा के द्वारा वो पार्टनर भेजा जाता है जो एक्चुअली में आपकी एनर्जी को डिजर्व करता है। अगर आपकी ये पार्टनर सही है, ठीक है, तो मतलब इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल सही थी और कुछ कर्मा की वजह से इस पर्सन के लिए सारी चीजें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इस पर्सन को पूरा चेंज करके आपकी लाइफ में भेजते हैं। आपकी इच्छा होती है, आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं, या फिर कोई ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में भेजा जाता है तो एक्चुअली में आपकी वाइब्रेशन को मैच करे। दोनों ही सूरतों में आपकी लाइफ में पार्टनर वही आता है जो आपकी वाइब्रेशन को मैच करता है, ठीक है, भले ही चाहे वो आपका ये पार्टनर हो, ये भी आएगा तो पूरा चेंज ही होकर आएगा, ठीक है, और फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे चुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये नजर आता है कि आपके जो पर्सन है पूरी तरीके से चेंज हो रहे हैं एंड ऑल्सो काफी मुझे ऊर्जा से भरे हुए नजर आते हैं यहाँ पर। और क्या है यहाँ पर, और मैं देखने की कोशिश करती हूँ। ओके, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ एंड वर्ल्ड। यहाँ पर इस पर्सन के अंदर इनको ना काफी ज्यादा हीलिंग की नीड है और धीरे धीरे ये पर्सन हील भी हो रहे हैं। तो जैसे जैसे ये हील हो रहे हैं, इनके अंदर का फियर का इशू, जेलसी का इशू, लोगों का जो भड़कावा था, लोगों का जो मैनिपुलेशन था, वो सब इस पर्सन के अंदर धीरे धीरे करके रिलीज हो रहा है और स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। जब तक इस पर्सन के अंदर ये एनर्जीज भरी रहती हैं तब तक ये एक्शन नहीं लेते हैं। अभी धीरे धीरे स्ट्रेंथ में आ रहे हैं तो ये उस कनेक्शन के लिए भी एक्शन ले सकते हैं जो इन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है, जो उन्हें इस पूरी दुनिया में एक तरफा लगता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये नजर आ रहा है, ये मुझे इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी नजर आ रही है। लेट्स सी कि अल्फाबेट्स आप लोगों के लिए क्या है, मैसेजेस भी देखेंगे।
यहाँ पर एक वर्ड बना है डर, DAR, जैसा लग रहा है कि पर्सन आपसे डरते हैं, ये पर्सन आपसे डरने लगे हैं, आई थिंक ऐसी भी एनर्जी नजर आती है। दो हजार अड़तालीस, 2048, ठीक है, XGLX, DARX, ठीक है, ये यहाँ पर नजर आए हैं। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। आई सी यू इन माई फ्यूचर, आई लव यू, ये पर्सन कह रहे हैं कि आपको फ्यूचर में देखते हैं, आई लव यू। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी, इस पर्सन को डर लगता है अगर आप इस पर्सन को अच्छा नहीं लगेगा अगर आप इनके बिना खुश हैं तो, ठीक है। आई एम लर्निंग अ स्पिरिचुअल लेसन, तो ये पर्सन स्पिरिचुअल लेसन लर्न कर रहे हैं। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूं। कर्मा इज अ बिच, आई फाइनली गॉट माइन, ये पर्सन कह रहे हैं कर्मा एक बिच है और इनको इनका कर्मा मिला है। क्यों रोते हो, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, मैं जहां भी हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं या तुम्हारी हूं। ओके, ये आपके पर्सन के मैसेजेस आ रहे हैं। सो गाइज, डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।